Hello students, I am Vijan Prajapati. Today we solve the exercise 8.2. आपने previous video में 8.1 का solution देख चुके हैं या चुके होंगे, तो आज हम 8.2 का देखेंगे. तो उसके पहले कुछ थोड़ा सा हम पहले थोड़ी सी basic जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, information ले लेते हैं कि कैसे क्या करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे एक table आपको बना रखा है कि ऊपर आपका जो है ये थीटा है, यानी एंगल है आपका, ठीक है, ये आपका थीटा है, यानी एंगल है आपका 0 degree, 30 degree, 40 degree, 45 degree, 60 degree एंड 90 degree. एंड हेयर साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट है आपका. ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लर्न रखना पड़ेगा कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है. इट मीन्स If right sine 0, then equal to value 0. If sine 30, then 1 upon 2. It means somewhere right sine 30 degree, then it will equal to 1 upon 2. If 45, then 1 upon under root 2. 60, under root 3 upon 2, 90, 1. So, ये आपकी 6 trigonometry है, जो है trigonometry. तो इसके जो वैल्यू है लर्न करना बहुत इजी है. चलिए हम देखते हैं कैसे करें. साइन का बस आपको लर्न करना है, बाकी को रिलेट करके आप लर्न कर लेंगे. कैसे करेंगे, जैसे कॉस है, कॉस का जस्ट अपोजिट करके आप इधर राइट डाउन कर दीजिए, यानी 1 अंडर 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 अंडर 2 एंड 1 अपॉन 2 एंड 0. ये आपका हो गया क्लियर, यानी 1 अंडर 3 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर 2, 1 अपॉन 2 एंड 0 हो गया आपका, ठीक है. अब tan का क्या करेंगे कि इनका रेशियो लिख देंगे, tan का इनका रेशियो लिख देंगे. तो 0 अपॉन 1 यानी tan थीटा को नोन होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. ओके, तो सपोज दैट tan थीटा, tan 0 है, 0 डिग्री का है, यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री होगा, यहाँ कॉस 0 डिग्री होगा. सो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 एंड दिस इज द इक्वल टू 0, ये आपका 0 हो जाएगा. तो यहाँ हम 0 लिख देंगे. सेम ऐसे ही इसको आप राइट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 यानी tan 30 इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि ये साइन की वैल्यू हो गई, ये पूरा का पूरा साइन 30 की वैल्यू हो गई और ये पूरा का पूरा ये आपका कॉस 30 की वैल्यू हो गई. तो आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा. वैसे यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे आपका रूट 3 बचेगा, यहाँ नॉट डिफाइन हो जाएगा. नॉट डिफाइन का मतलब है जैसे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, यानी नॉट डिफाइन कैसे आएगा आपका. चलिए लेट्स सी, आपका tan 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री. तो sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू 0. सो इफ अगर कोई भी नंबर है या इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 देन इट विल बी इनडिफाइंड, कह सकते हैं उसको फिर डिफाइन, उसको आप कह सकते हैं कि ये डिफाइन क्या नहीं जा सकता है. तो ऐसे ही कोसेक थीटा का आप लिख देंगे. कोसेक थीटा क्या होता है कि जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा, यानी अगर साइन 0 डिग्री का है आपका पूछा तो 1 अपॉन कोसेक 0 डिग्री हो जाएगा. तो कोसेक 0 का हमको निकालना है, कोसेक 0 डिग्री का आपका, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यानी रेसिप्रोकल हो गया. तो अगर कोसेक 0 रखा है तो 1 अपॉन साइन 0 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है. तो 1 अपॉन साइन 0 डिग्री की वैल्यू
जीरो होती है जीरो रखेंगे, फिर वही कंडीशन आ गई टेन नाइनटी वाली, वन अपन जीरो मतलब नॉट डिफाइन है, आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आप नॉट डिफाइन लिख सकते हैं। जैसे ऐसे ही रेसिप्रोकल आप जैसे वन थर्टी डिग्री का करेंगे तो वन अपन साइन थर्टी डिग्री, वन अपन टू, तो क्या हो जाएगा इसका जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए क्या है, गौर से देखिएगा, वन अपन टू है मतलब इट्स मीन्स वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या जाएगा आपको पता होगा बेसिक अगर पढ़े हैं तो, ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा फाइनली टू, यानी कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे, वैसे ही आपका इसका अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसका 2 बाई अंडर रूट 3 और इसका 1 ही रह जाएगा। ऐसे ही सेक का सेक जो है सेक थीटा ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो आपका sec जैसे जीरो हम अगर निकाल रहे हैं जीरो डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos जीरो डिग्री हो जाएगा, cos जीरो डिग्री की वैल्यू वन होती है तो वन अपॉन वन यानी वन आ गया। तो सेम ऐसे ही आप बाकी का रेसिप्रोकल करके आप लिख सकते हो, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री, यहाँ अंडर रूट टू, यहाँ टू हो जाएगा और यहाँ यहाँ पे आपका आपका वन अपॉन जीरो होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही काट का आपका काट का क्या हो जाएगा टेन का जस्ट रेसिप्रोकल, तो वैसे ही टेन का वन अपॉन जीरो होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ये, और ये आपका अंडर रूट थ्री, ये वन का वन रहेगा और यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे जो नॉट डिफाइन है इसको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये कैसे आएगा, तो टेन थीटा tan 90 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन 0, सो cot 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन tan 90 डिग्री होगा, ऑलरेडी यू नो, सो 1 अपॉन क्या लिखेंगे 90 डिग्री को 1 अपॉन 0 लिखेंगे, सो अभी बेसिक रूल जो बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 0 अपॉन 1 हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं 0 अपॉन 1 यानी 0 अपॉन 1 इसको क्या लिख सकते हैं आप 0 लिखेंगे, तो यानी cot 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो अब आई होप तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे और इसको लर्न कर लेंगे तो आपका जो 8.2 है सॉल्व करना इजी हो जाएगा।